गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ हैची न्यूज में। आज मैं आपके सामने मामला लेके आई हूँ एक अजगर और एक बंदर का, यानी कि एक बंदर के झुंड में अचानक से एक अजगर आ गया और एक बंदर को उसने पकड़ लिया। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ, उन बंदरों के झुंड ने क्या उस बंदर की हेल्प की और उस अजगर का क्या हुआ, सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हमारे सामने ये मामला आ रहा है थाईलैंड के थाई नेशनल पार्क से। एक्चुअली वहां पर विशालकाय एक अजगर है और अजगर काफी ज्यादा आराम से बैठा हुआ था। और आप लोगों को बंदरों के बारे में तो पता ही होता है कि बंदर काफी ज्यादा कूदते रहते हैं और काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं और किसी के भी हाथ में जल्दी जल्दी आते नहीं है। और जो अजगर है वो काफी ज्यादा लेजी होता है, एक ही जगह पर बैठा रहता है और वो रेंगते हैं, और क्योंकि उनके पाँव नहीं होते हैं, पर वो काफी ज्यादा शातिर भी होते हैं। वो एक जगह पर अपनी जो उनका जो शिकार रहता है उसके ऊपर काफी ज्यादा नजर टिकाए रहते हैं। शायद ये भी यहाँ पर भी ऐसा ही सब चीजें हुई। जब जो बंदरों का जो झुंड था वो वहां पर मौजूद था और एक जो अजगर था जो कि काफी ज्यादा विशालकाय था, उसने झुंड में से एक बंदर को पकड़ लिया। और एक्चुअली सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जो बंदरों का झुंड है उसमें से एक बंदर को पकड़ लिया, और काफी ज्यादा सुन के महसूस करके काफी ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद भी जो उसके साथी थे, जो बंदर के साथी थे, उन्होंने एक्चुअली जो अजगर की पूंछ को तो पूंछ थी उसको काफी ज्यादा पकड़ा, घायल किया, अपने साथी को छुड़ाने की भी कोशिश की, पर अजगर ऐसा था कि उसने नहीं छोड़ा। उसने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांस नहीं निकल गई। और आखिरकार एक्चुअली बीच में एक बुजुर्ग भी वहां पर पहुंचे और बुजुर्ग ने भी काफी ज्यादा कोशिश की कि एटलीस्ट वो बंदर को अजगर छोड़ दे, पर फिर भी उसने नहीं छोड़ा। वो बुजुर्ग भी काफी ज्यादा नाकाम रह गया। आखिरकार एक्चुअली वो जो बंदर था उसकी मौत हो गई और मौत के बाद वो जो अजगर था उसकी लाश को वहीं पर छोड़ के अपनी बिल में जाके घुस गया। सो गाइज, एक्चुअली ये जो मामले हैं ये काफी ज्यादा, ये जो वीडियो और जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है। लोग काफी ज्यादा इस चीज को देख रहे हैं, काफी ज्यादा दुख जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो बंदर मरा, उसके सांस घुट घुट के तड़प तड़प के वो मरा है। एक्चुअली ऐसी मौत कभी भी किसी को ना आए, पर जानवरों की लाइफ ऐसी है। जानवरों को खाना अगर पेट भरना है तो किसी और जानवर को मारना ही पड़ेगा। जैसे कि सर्कल चलता है, लाइफ का सर्कल ही ऐसे है। हम लोग भी किसी चीज को मार के खाते हैं क्योंकि ये सर्कल है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूफ हुई हुई है, बहुत सारा ऐसा सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो आज आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर चाहिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए ज़रूर चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाएँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।